वाणी श्री स्वामी जी महाराज जी की फरियाद और पुकार भाग दूसरा शब्द छठवां। नाम दान अब सत गुरु दीजे, काल सतावे स्वासा चीजे। यह वाणी हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है। संतों की जितनी वाणी है उसमें या सतगुर महिमा है, सतनाम की महिमा है, भक्ति की महिमा है, या चेतावनी की वाणी है, या विनती और प्रार्थना की वाणी है। आज जो वाणी ली जा रही है वो विनती और प्रार्थना की वाणी है। प्रार्थना का क्या मतलब है? विनय, पुकार, विनंती, मुसलमान उसको दुआ कहते हैं, ग्रंथ साहिब में उसको अरदास कहते हैं, अंग्रेजी में प्रेयर कहते हैं। अब जब हम लोगों की कोई ख्वाहिश, कोई आरजू, कोई तमन्ना पूरी नहीं होती है, हम उसको पूरा नहीं कर सकते हैं, हमारे बस से बाहर है, तो हम उस वक्त परमात्मा को या अपने सतगुरु को विनती करते हैं, अरदास करते हैं कि प्रभु हमारा ये काम पूरा हो जावे, वगैरह वगैरह वगैरह। कोई ऐसा इंसान दुनिया में नहीं होगा जिसने कभी प्रभु को, हरि को, परमात्मा को प्रार्थना नहीं की होगी, पुकार नहीं की होगी। प्रार्थना एक नेचुरल, एक कुदरती हमारे अंदर में भाव है। एक गरीब आदमी है, किसी दफ्तर में काम करता है, यानी प्यून है, पटे वाला है, उसको 150 रुपया मायाना पगार मिलता है, तनख्वाह मिलती है, गुजारा नहीं होता, दो बच्चे हैं, बीबी हैं, कुछ किराया भी थोड़ा देना है, तो वो सेठ को प्रार्थना करता है, विनती करता है कि सेठ साहब आप दया करो, मेरा 150 रुपए से गुजारा नहीं होता है, दो बच्चे हैं, उनका पढ़ना है, किराया है, खाना पीना है, महंगाई का समय है, आप कृपा करके मेरी पगार में तरक्की कीजिए, यानी सेठ को वो विनती करता है। इस तरह से हरेक इंसान अपने से जो बड़ा है, छोटा अफसर है, छोटा एक क्लार्क है गवर्नमेंट में, तो उसके ऊपर जो बड़ा अफसर है उसको विनती करेगा। इस तरह से हम वक्त ब वक्त परमात्मा को या जो हमारे से ऊंच है, उत्तम है, उसको प्रार्थना करते हैं। अब ये जो प्रार्थना है ये आलमगीर है, मानो यूनिवर्सल। कभी एक भजन करने वाला आदमी है, भजन में बैठा, भजन हुआ ही नहीं, मन यहां भटका, वहां भटका, वहां भटका, वहां भटका, समझ में नहीं आता है, कहता है क्या करूं, मन नहीं लगता है, तो अंदर अंदर अपने सतगुरु को प्रार्थना करेगा, सच्चे पातशाह कुछ समझ में नहीं आता है, पापी तो हम हैं, गुनहगार भी हैं, नीच भी हैं, पतित भी हैं, कमजोर भी हैं, लेकिन बावजूद इन सब चीजों के आप हमारे ऊपर रहम करो,
प्रभु जी अवगुण मेरे चित ना धड़ो, मेरे ऊपर दया करो, आज क्यों मेरा भजन नहीं बनता। तो भी ये अंदर में अपने सतगुरु को विनती करता है ताकि इसका भजन करे। अब इसको प्रार्थना कहते हैं कि हमारे हृदय के अंदर जब कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो, कोई कष्ट हो, कोई ऐसी चीज है जिसके लिए हम तरफते हैं, तो हमारे हृदय से पुकार निकल जाती है। अभी किश्ती में 5-6 आदमी बैठे हुए हैं, एलिफेंटा केव्स पर जा रहे हैं, एक तूफान आ गया, किश्ती डूबने लगी, ये क्या करेगा? जो किश्ती चलाने वाला है वो भी खुद डूब रहा है, किश्ती भी डोलती रहती है। हृदय से पुकार जाएगी कि हे प्रभु, हे वाहगुरु। हर एक मुसलमान कहेगा हे रब्बा, हे खुदा, रहमत करो, फजल करो। इस तरह से हर एक अपनी अपनी भाषा में, अपने मन में या बाहर या जबान से प्रार्थना करेगा, विनती करेगा कि हेल्प भेजो, दया करो, मेहर करो, बचाओ, बचाओ प्रभु, बचाओ। तो उसके हृदय से ये पुकार बाहर निकलेगी और हम कभी प्रार्थना के बगैर रह नहीं सकते। कई दुनिया में तकलीफें हैं, कष्ट हैं, हमारी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं। बच्चों को एक स्कूल में दाखिल कराना है, एडमिशन नहीं मिलती। अब उसको कोई कहता है कि 1,000 रुपया दो तो मिलेगी। अभी गरीब कहेगा भाई मेरे पास 1,000 रुपया कहां से आया। दूसरा नहीं तो मन में तो बोलेगा हे भगवान, हे प्रभु, मैं गरीब आदमी हूं, मेरा कोई इन्फ्लुएंस भी नहीं है, ये भी नहीं है, आप कुछ दया करो। तो ये है प्रार्थना जो हर एक इंसान करता है, जैसा जैसा उनकी तकलीफ ऐसी ऐसी प्रार्थना। अब किसको हम प्रार्थना करें? सचमुच परमात्मा हरि गोविंद रब वाहगुरु अकाल पुरख को ही प्रार्थना करें, क्योंकि वो सबके साहेबों का साहेब है। सब साहेबों का साहेब है, इस वास्ते हम बड़े से बड़े को क्यों ना प्रार्थना करें। एक दफा राजा अकबर जंगल में चला गया, कहीं ऐसी गलत जगह पे चला गया, घोड़ा और आप, इसके आदमी भी अलग हो गए, पानी भी नहीं, खाना भी नहीं। देखा कि एक छोटी सी झोपड़ी है, उसमें चला गया। वहां एक किसान था गरीब, उसके पास चला गया। उस किसान ने जो थी दही थी, चटनी थी, कुछ भी था, उनको खिलाया पिलाया और अकबर बादशाह बड़ा खुश हो गया पानी ठंडा पी के। उसको कहता है सुनो भाई, मैं हूं बादशाह अकबर, तुम्हारे पास आया हूं, तुमने मेरी प्रार्थना, तुमने मेरी अच्छी आदर भाव किया है, खिलाया है पिलाया, मेरा पेट भर गया, मैं तुम्हारे ऊपर खुश हूं। मैं दिल्ली शहर में रहता हूं, कभी काम होवे तो आ जा। बोले वहां अगर आप अकबर बादशाह हैं, मैं आऊंगा कौन पहचानेगा। तो अकबर ने अपनी एक मुंदरी रिंग उसको दे दी कि तू मेरे महल के बाहर, दरबार के बाहर ये दिखाना और आ जाना। ऐसा कभी इत्तेफाक हुआ, इस किसान को जरूरत पड़ी, महल में गया, मुंदरी दिखाई, अंदर गया, गया उस रूम में रूम, कमरे में कमरा, आखिर में देखता है कि एक कमरा है जहां अकबर बादशाह गोदों पर बैठ के और मालिक को दुआ मांग रहा है, प्रार्थना कर रहा है, कह रहा है कि हे रब्बा, मेरी रयत में बड़ा दुख है, बरसात कई वर्षों से नहीं हुई है, चार पाए जानवर मर रहे हैं, गरीब बहुत दुखी हैं, रहमत करो, दया करो, बरसात लाओ। तो ये जो किसान गया वो दरवाजे पे सुनता है उसकी प्रार्थना,
वो वापस निकलने लगा। इतने में अकबर भी उठा, उनको बताया गया कि एक आदमी आपको मिलने आया था, उसको मुंदरी भी थी आपकी, अब चला गया। अकबर ने कहा उसको ले आओ। ले आए, कहता है भाई तुमने मेरी बड़ी खातर की थी, मैं तुम्हारे झोंपड़ी में आया था और आप वापस क्यों जाने लगे? कहते हैं जनाब आया तो था मैं कुछ मांगने को, लेकिन मैंने देखा आप ही खुद मांग रहे हैं, आप भी खुद मांगते हैं, इस वास्ते मैं भी उससे क्यों ना मांगूं जिससे आप मांग रहे थे। तो इस वास्ते हमारी प्रार्थना अगर कभी होवे वो उस साहिब को करना चाहिए जिसको आप रब कहो, वाहगुरु कहो, अल्लाह कहो, परमात्मा कहो, ईश्वर कहो, परमेश्वर कहो। लेकिन हमने परमेश्वर देखा नहीं, फॉर्मलेस है, रूप नहीं, रंग नहीं, तो इतना हृदय के अंदर यकीन नहीं होता, निश्चय नहीं होता, विश्वास नहीं होता, फेथ नहीं होता। तो उस प्रभु परमात्मा हरि गोविंद के फकीर होते हैं, संत जन होते हैं, दरवेश होते हैं, सतगुरु होते हैं, जो उसके रूप होते हैं, वक्त ब वक्त होते हैं, हमेशा होते हैं, उनके बगैर दुनिया नहीं होती है। तो प्रार्थना हमारी अपने सतगुरु के पास पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है, उनको हम जानते हैं। अब आपके मन में कई सवालें होएंगे, सुनता कौन है, हम बहुत महाराज जी को प्रार्थना करते हैं कोई जवाब नहीं आता वगैरह वगैरह, वो बात पर मैं आता हूं, लेकिन करनी उसको अपने को, जो तो है प्रभु का भक्त वो तो दुनिया की प्रार्थना करेगा ही, वो तो कहेगा बिन तुझ हौर जे मंगना, सिर दुखां के दुख दे नाम संतोखिया, तो उतरे मन की भुख। जो तो भक्त है, कष्ट में पड़ा हुआ है, कितनी तकलीफ में पड़ा हुआ। एक मुसलमान फकीर था, पांव में बड़ा फोड़ा था, पांव में बड़ा बॉयल था, तो वो लंगड़े के माफक चलता था। तो किसी ने कहा उसको, भाई तू मालिक को प्रार्थना क्यों नहीं करता है कि तुम्हारा ये फोड़ा ठीक कर लेवे? कहता है प्रार्थना क्यों करूं, वो नहीं समझता है कि मेरे को क्या तकलीफ है, वो नहीं जानता है कि मेरे को क्या तकलीफ है, मैं तो ये शुक्र शुक्र करता हूं कि ये फोड़ा मेरी आंख में नहीं है। अब ये जो रवैया है ये है भक्तों की, भक्त और भगवान का आपस में एक खास रिलेशन होता है, तो वो किस चीज की प्रार्थना नहीं करते, अगर करते हैं तो कहते हैं आपकी जरूरत है। बीबी राबा बसड़ी प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, अगर मैंने नरकों के दुख से डर से अगर मैंने नरकों के डर से आपकी भक्ति की है तो जरूर मुझे नरकों में डालना, अगर मैंने बहिष्ट यानी स्वर्ग यानी वैकुंठ अगर मैंने स्वर्ग की आशा रख के आपकी भक्ति की है तो मुझे स्वर्गों में नहीं भेजना, लेकिन अगर मैंने आपको हासिल करने के लिए आपकी भक्ति की है तो अपने दीदार से महरूम नहीं करना। डोंट डिप्राइव मी ऑफ योर होली ग्लांस। अब यहां भी एक भक्त है, कहता है मैं नरकों से नहीं डरता हूं, मेरे को स्वर्गों की आशा नहीं है, मेरे को तो आपकी लोड है और आपको ही प्रार्थना करता हूं कि जल्दी दीदार करवाओ, दर्शन दे। अच्छा, तो इस तरह से अपने को अगर
प्रार्थना करनी है तो अपने संत सतगुरुओं को करना चाहिए। वाणी कहती है ग्रंथ साहिब की, सुख दाता भय भंजनो, कहते हैं संत जन सुख दाता होते हैं, सुख देने वाले होते हैं। भय भंजनो, हमारा डर, हमारा भय, हमारा फियर, उसको नाश करने वाले होते हैं। तिस आगे कर अरदास, कहते हैं उसके आगे अरदास करो, उसके आगे प्रार्थना करो, जो दुखों को निवारण करने वाला है, डर सब हमारा निकालने वाला है। मेहर करे जिस मेहरवान, कहते हैं वो मेहरवान है। मेहरवान का क्या मतलब है? दयालु, बख्शिश करने वाला, माफ करने वाला, रहमत करने वाला, कहते हैं वो मेहरवान है। आगे कहते हैं ता कारज आवे रास, मेहर करे जिस मेहरवान ता कारज आवे रास, कहते हैं प्रार्थना करो उस प्रभु को, उस सतगुरु को, जो भय भंजनों है, जो सुखदाता है, उसके आगे अरदास करो, वो मेहरवान है और हमारे कार्य रास करने वाले हैं, कार्य पूरे करने वाले हैं। तो ये प्रार्थना किसको करनी चाहिए, या एक मालिक को या उसका प्रतिनिधि संत सतगुरु दरवेश फकीर औलिया पूरा कामिल। फिर प्रार्थना का ये मतलब नहीं है कि हम पुरुषार्थ ना करें, माना मेहनत ना करें, कोशिश ना करें। प्रार्थना के साथ साथ हमारा पुरुषार्थ, मेहनत, एफर्ट, कोशिश करनी जरूर होनी। एक लड़का है, इम्तिहान देने का दिन है, सुबह को देरी से उठा है, अब सोचता है कि मैं इम्तिहान तक नहीं पहुंचूंगा, दरवाजे बंद हो जाएंगे। अब वो प्रार्थना करता है सतगुरु को, हजूर सच्चे पाशाह देरी हो गई है, दया करो। इसके साथ साथ उसको कदम भी जल्दी आगे उठाना चाहिए, ये ना कि बैठ जावे, आप ही तो नहीं वहां पहुंच जाएगा इम्तिहान के हाल में। गुरु को भी दया करने का ढक के करता है, वो दिखा के नहीं करता है, यानी छुपा के करता है, उनको जरिया देना चाहिए। एक बीबी थी, मिसेस कपूर है, बड़ा सत्संग घर बन रहा था, वो छोटा सा लड़का भी ले आई थी, यानी छोटे बच्चों को हम कहते हैं ना सेवा करो सेवा करो, छोटा सा उसका लड़का था, उसको भी ले आई थी। तो वो ईंट बेचारा उठा रहा था, एक ईंट सिर पर उठा रहा था एक, तो कोई इत्तेफाक से वो गिर पड़ा ईंटों में, गिर पड़ा तो यहां फ्रैक्चर हो गया, और फ्रैक्चर ऐसा हुआ कि ये लटकता, ये हाथ और ये जगह लटकती। बेबी भी तकड़ी थी, आई महाराज जी के पास, महाराज तुम्हारी सेवा कौन करेगा, ए देखो मेरे बच्चे का ये फ्रैक्चर हो गया है। महाराज जी ने पहले ही इधर हाथ डाल दिया, बच्चे को बोला आओ इधर, उधर हाथ डाल दिया था, आओ इधर बैठो बैठो बेटा बैठो बैठो, क्या हुआ तुम्हारे को क्या हुआ। महाराज जी को कहती है तुसी देखते नहीं, महाराज जी कहता है बीबी मुझे दिखाओ भी क्या हुआ है, तुम इतना चिल्लाती है हुआ क्या है, और बीबी देखे तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो तो पहले ही महाराज जी ने हाथ रख दिया उसके ऊपर। खैर, तो संत दया मेहर करना चाहते हैं लेकिन ओपन नहीं, ढक के करना चाहते हैं। तो अगर लड़का देखता है कि मुझे इम्तिहान में पहुंचना है, जल्दी देरी हो गई है, उसका काम है कि जरा जल्दी भागे तो रहमत उसके साथ जाएगी। कुछ भी करेंगे वो मालिक है, करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन हमारा काम है कि उसके साथ साथ पुरुषार्थ करना, मेहनत करना। अब कोई आदमी बीमार है तो प्रार्थना करेगा,
साथ साथ में डॉक्टर का इलाज भी जरूर करना, परहेजगारी भी करना, यानी के पुरुषार्थ हर हालत में करना। एक आदमी कहे भजन नहीं होता है प्रभु, मन नहीं लगता है दाता, क्या करें, बड़ा जबरदस्त है काल का चक्कर, बहुत ये है, हमारे से तो भजन बनता नहीं है, ऐसा करके बैठेगा भजन कभी नहीं बनेगा। हाँ, ये कोशिश करे, बैठे सुबह को, बैठे दोपहर को, बैठे किस वक्त भी, जैसे जैसे इसको सहूलियत होती है। अभी बीबियां हैं घर में, जब पति देव चला जाता है, सेठ चला जाता है, जमींदार चला जाता है, बच्चे स्कूल में चले गए, तो माता बहन घर में अकेली बैठी है, टाइम भी है, उस वक्त बैठ सकती है। मतलब बैठना, मेहनत अपनी करना, कोशिश अपनी करना, साथ में प्रार्थना करना के सच्चे पाशा हम कमजोर गुनहगार, काले हमारे करतूत, बुराई के सवाय हमारे पास कुछ भी नहीं, आपके सामने खड़ा रहने के भी हम लायक नहीं है प्रभु, लेकिन तेरे आश्रय बैठते हैं, तू हमारा आसरा है, तू हमारी टेक है, आप दया करो, मेहर करो, मैं भजन नहीं कर सकता, आपके आश्रय बैठता हूं प्रभु। अब प्रार्थना चली गई, साथ साथ में इसने उद्यम किया। ग्रंथ साहब की वाणी कहती है, उद्यम करो बड़ भागियो, है वड भागने बड़े भाग वाले नाम मिला है, उद्यम करो वड भागियो, कहते हैं उद्यम करो। उद्यम करो माना पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, करनी करो, अभ्यास करो, साधना करो, गुरु की मेहर मिलेगी। इट इज कपल्ड, भजन के साथ मेहर बांधी हुई है, करेगा मिलेगी, ना करेगा ना मिलेगी। ये भजन से दया मेहर पैदा होती है, रहमत उससे पैदा होती है, जो नहीं बैठेगा नहीं मिलेगी। खैर, अब ये हो गया कि प्रार्थना हमारी किसको करना चाहिए। फिर ये हुआ कि पुरुषार्थ छोड़ देना चाहिए क्या? नहीं, पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी डेरा है इतना बड़ा, डेरे को महाराज जी लंबी लंबी 8 फुट की दीवार लगाते हैं, सारा कंपाउंड वाल लगाते हैं। वो मालिक हैं, हवा क्या, अग्नि क्या, पानी क्या, मट्टी क्या, सब उसके हाथ में है, सब उसके हाथ में, जो करना चाहे करें, लेकिन वो भी पुरुषार्थ करते हैं, रूहानियत नहीं चलाते हैं। महाराज श्री कृष्ण ने गीता के अंदर भी यही कहा है कि मैं भी खाली नहीं बैठता हूं, मुझे भी कर्म करना पड़ता है। तो इस वास्ते कर्म, मेहनत, साधना करनी जरूर करनी है, सुस्तों का काम नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि एक दिन परमात्मा हरि गोविंद का दर्शन करें, तो ये काम सुस्तों का नहीं है, सुस्तों से ये नहीं होता। दुनिया में भी जितने आप देखते हैं जो कुछ बन रहा है, सुस्तों से नहीं बना, मेहनत करने वालों से बना। तो ये परमार्थ में तो बहुत मेहनत चाहिए। अब दूसरा सवाल आया कि हमारी प्रार्थनाएं कबूल क्यों नहीं होती है। हम ये कहते हैं कि भाई हमने तो प्रार्थना की, कबूल नहीं हुई, होता नहीं है। हमको अगर प्रार्थना करनी चाहिए, पहले पहले तो कोई नीच प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। नीच माना एक दुकानदार है, उसके सामने दूसरा भी दुकानदार है, दोनों कपड़ा बेचते हैं या दोनों ज्वेलरी बेचते हैं। अब एक आदमी कहता है, हे भगवान, इसके पास एक ग्राहक नहीं जावे, सब ग्राहक मेरे पास आवे, ये प्रार्थना कबूल नहीं होगी, ये गलत प्रार्थना। इस तरह से कई प्रार्थनाएं हैं जिसमें वैर, विरोध, हसद, ईर्ष्या, अग्नि, ये प्रार्थना कबूल नहीं होती।
कोई आदमी किसी का दुश्मन बन जाए, बोले इसका बेड़ा गर्क हो जावे, नाश हो जावे, इसके घर को आग लगे, इसका ये होवे, प्रार्थना कबूल नहीं होगी। अच्छा, अगर नेक प्रार्थना है और सतगुरु देखते हैं कि इस प्रार्थना से, माना इसका अगर मैं काम करूंगा तो ये भजन ज्यादा करेगा या सुस्त हो जाएगा, अगर देखेंगे कि ये सुस्त हो जाएगा तो वो काम पूरा नहीं करेंगे। अगर देखेंगे कि इसने मांग ऐसी मांगी है जिसमें ये आगे बढ़ेगा तो पूरा कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, वो देखते हैं। और फिर दूसरा, हमको सब्र भी होना चाहिए, सब्र भी होना चाहिए। अगर कोई मां कहती है मालिक को, हे प्रभु मेरे घर में 7 लड़कियां हैं, एक तो लड़का दे दो। मैं आम रवाजी तरह से, कई हालातें होती है दुनिया में, तो वो औरत एक महीने में तो लड़का आशा नहीं रख सकती है ना, उसको 10-12 महीना ठहरना पड़ेगा, 15 महीना भी ठहरना पड़ेगा। तो इस तरह से सब्र होना, धीरज होना और देखना कि क्या मालिक करते हैं, उसकी मौज क्या है। और कभी कभी हमारी वो बात 6 महीने के बाद पूरी हो जाती है, कभी 2 महीने के बाद पूरी हो जाती है, कभी नहीं होती है, लेकिन वो ऑल वाइज है, सियाणे से सियाणा है, जो ठीक समझता है वो देता है। मां कभी अपने बच्चे को जहर देगी? अगर बच्चे को बुखार है, ताप है, फीवर है 104 डिग्री, तो मां उसको आइसक्रीम तो नहीं खिलाएगी, नहीं खिलाएगी। इस तरह से संत सतगुरु अपने सेवकों की सब प्रार्थनाएं पूरी नहीं करते। और जो रोज रोज बोलता है मेरे को ये चाहिए, कल फिर बोले और ये चाहिए, कल फिर और चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए, उसका भी कुछ नहीं काम होगा। पहले तो प्रार्थना के लिए ये जरूरी है कि जब प्रार्थना करना तब अपना आप भूल जाना, माना अपने सतगुरु को करना या वाहगुरु को करना। वाहगुरु भी किसी की ख्वाहिश पूरी करेगा तो किसी संत महात्मा के जरिए पूरी करता, और एकदम उसमें पूरा विश्वास होना और एकाग्रता से करना, यानी एब्सॉर्प्शन, यानी मगन होना, तभी उसके साथ हमारी कम्युनिकेशन होती है, हमारी आवाज वहां जाती है, हमारा ख्याल वहां जाता है। अगर एक ही वक्त आदमी बाल बच्चों को भी देख रहा है, ख्याल भी कोई माता कर रही है, सब विचार सब कुछ कर रही है, दुनियादारी का ख्याल कर रही है, फिर प्रार्थना भी कर रही है, कैसे होगा? सब छोड़ के फिर प्रार्थना कर, माना एकाग्रता से, एब्सॉर्प्शन से। और अव्वल नंबर की प्रार्थना कौन सी? सतगुरु आपकी जरूरत है, मुझे आप चाहिए, मुझे नाम खोल दे, मेरा पर्दा खोल दे, मेरे ऊपर दया मेहर करो। यहां ये आज जो प्रार्थना ली गई है, कहते हैं नाम दान अब सतगुरु दी जाए। अभी नाम तो हमको मिला हुआ है, हम कई सत्संगी भी यहां बैठे हैं, नाम तो हमको मिला हुआ है, फिर भी ये सत्संगी कहता है नाम दान अब सतगुरु दी जाए। कौन सा नाम? हमको मिला है जरूर, लेकिन हमारा काम किधर गया? क्रोध कहां गया है? लोभ कहां गया है? मोह कहां गया है? अहंकार कहां गया है? ये सब के सब हैं, क्योंकि जो नाम असल है, असल का मतलब यह है कि जो धुन आत्मक नाम है, जो शब्द स्वरूपी नाम है, जो हर एक घट घट में बसता है, वो नाम की मांग मांग रहा है सेवक कि प्रभु मुझे वो नाम देओ, अंदर खोलो, प्रकाश करो उस नाम का, उस शब्द को खोलो, नाम को खोलो, तो हमारे अंदर परिवर्तन आएगा, इनकलाब आएगा, हमारा काम ठंडा होगा, क्रोध ठंडा होगा, लोभ ठंडा होगा, मोह ठंडा होगा, अहंकार ठंडा होगा, नम्रता आएगी,
नाम जब तक नहीं खुला कुछ नहीं होगा। हमारे कुछ सत्संगी कहते हैं भाई हमने तो 2 बरस हुआ है नाम लिया है, हमको कुछ अंदर प्रकाश नहीं दिखाई देता, शब्द नहीं सुनाई देता। उनसे पूछो भाई कितना देरी बैठते हो, कहते हैं 10-1 मिनट बैठता हूं। अभी श्रीमान जी 10 मिनट बैठता है और 10 मिनट में सूरत ऊपर चढ़ेगी, ये शब्द सुनेगा और प्रकाश देखेगा, कैसे होगा। अब ये सिख कहता है प्रभु मैं तो हारा, आपकी शरण में आया हूं, दया मेहर करो मेरे अंदर वो सच्चे नाम का प्रकाश हो गए, मैं आपके दरवाजे पे भिखारी हूं, यही विनती करता हूं, यही प्रार्थना करता हूं, मेरे अंदर चाह पैदा करो, मेरे अंदर शौक पैदा करो, तुम्हारी जुदाई का एहसास हो, प्रभु मेरे ऊपर दया करो, नाम दान अब सतगुरु दीजे। और कुछ नहीं मांगता है। जब रब ही आ जावे, जब हरि अपना हो जावे, जब गोविंद ही अपना हो जावे, और किस चीज की जरूरत है। तो ये सिख मूल बात पे चला गया, नाम दान अब सतगुरु दीजे, ये प्रार्थना। कैसे? वो प्रार्थना के भी नमूने होते हैं। एक ये है, हम कभी मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं या कहां जाते हैं, आवाज से प्रार्थना करते हैं, माना सुनाई देता है। अभी सत्संग जब समाप्त होता है ना, हम कहते हैं करूं बेनंती दुई कर जोरी, अर सुनो राधा स्वामी मोरी। अभी हम आवाज से कहते हैं। ये प्रार्थना के अंदर एक अवगुण है कि मुंह चलता है मन कहीं और, यानी मुंह चलता है मैकेनिकली, क्योंकि रोज रोज कहते हैं रोज, प्रार्थना तो दिल से होना चाहिए, दिल से निकलना चाहिए। कोई आहाजारी हो, कोई तकलीफ हो, कोई कष्ट हो, कोई प्रॉब्लम हो, ऐसी हालत में आके इंसान मिला है जहां के समझता है कि अगर मुझे अभी मदद नहीं पहुंची तो खत्म हो जाऊंगा, तो उसके हृदय से प्रार्थना जाती है और 7 आकाशों से भी दूर जाती है और परमात्मा को गुरु को आराम करने नहीं देती है वो प्रार्थना। बड़े महाराज जी का जब जमाना था तो चिट्ठियां लाला मुंशी राम जी खोलते थे और महाराज जी को सुनाते जाते थे, फिर महाराज जी बोलते इसको ऐसा लिखो, वो नोट लेता था, फिर इसको ऐसा लिखो, वो नोट लेता था, इसको ऐसा लिखो, फिर कोई चिट्ठी बोलते थे मुझे दे ये चिट्ठी पढ़, ये चिट्ठी हाथ में, इधर हाथ, उस चिट्ठी में एक ऐसी आत्मा रो के पुकारती है, एक हे प्रभु हे दाता बड़ी मुसीबत में हूं, ये भी कष्ट है, पति का भी कष्ट है, औलाद का भी कष्ट है, मैं तो अपनी जान अभी समझती हूं कि लायक नहीं है, मुझे इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं रहा, मैं तो अपने को खत्म करने की कोशिश करती हूं, प्रभु ये मेरी हालत है, आप बताओ आपके सिवाय मेरा और कौन, किसके बाद शिकायत लेके जाऊं, कौन सी देवी देवता के पास चले जाऊं, आप अगर रहमत करो तो होगा काम, नहीं तो नहीं होगा। अब संत बड़े दया के सागर होते, दया आ गई हृदय के अंदर, दया की लहरें ठाठे मारने लगी, महाराज यूं करके दया भेज दी, चिट्ठी का जवाब बाद में पहुंचा, चिट्ठी का जवाब भी गया, उसमें तो ये लिखा था बीबी सिमरन भजन करो, ये पेटेंट है सिमरन भजन करो, क्योंकि सिमरन भजन से हमारे बुरे कर्म नाश होते हैं, तकलीफें नाश होती है, सिमरन भजन ही दवा है, मुख्य दवा तो नाम है, लेकिन नाम संतों ने यूं ही दिया, रहमत करके दिया। अब एक बीबी ने ऐसा चिल्लाया इतना दर्द से कि सतगुरु के हृदय के अंदर दया का वो सागर छोले मारने लगा और दया उन्होंने भेज दी। वो प्रार्थना है जो शांति है, चुप में जाती है, जबान नहीं चलती, मन चलता है, हृदय चलता है और उसमें बेवसी है, प्रभु मेरा और कोई नहीं।
किसके पास जाऊं दाता, तुम्हारे बगैर हमारा कोई। जब ये रूह से पुकार जाती है, ये असल प्रार्थना, इसको कहते हैं मिस्टिकल, यानी कि बिल्कुल उसके दरवाजे पे हमारी आवाज चली जाती है, अंदर की आवाज चली जाती है कि हे दाता। जैसे द्रौपदी ने महाराज कृष्ण को कहा, जब द्रौपदी को नंगा करने की कोशिश हो रही थी तो महाराज कृष्ण रुक्मणी के साथ चौपर खेल रहे थे, तो एक दफा बीच में मुस्कुराया। रुक्मणी पूछने लगी, महाराज क्या बात है? कहती, कुछ नहीं, तुम खेल चालू रखो। खेल चालू रहा। फिर 5 मिनट के बाद महाराज कृष्ण उठे, खरावा पहनी, बोछन लगाया, कहता है मैं जाता हूं। कहते हैं कहां जाते हो, कहां जा रहे हैं प्राणनाथ? महाराज कृष्ण कहते हैं पहले पहले द्रौपदी ने कहा ये मेरे 5 पति बैठे हुए हैं, ये इतने भीष्म पिता में ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, इनके सामने एक अबला नारी को नंगा किया जाएगा, कैसे होगा? और मेरा कृष्ण भी है, ऐसे भी उसने सोचा, मेरा कृष्ण भी है, 5 पति भी है, ऋषि मुनि भी है, इनके होते हुए कौन मुझे नंगा करेगा? कहते हैं अब कहती है महाराज कृष्ण त्वारे सिवाय और कोई नहीं, क्योंकि 5 पति कुछ नहीं कर सकते थे, कोई ऋषि मुनि उठ नहीं सकता, भीष्म पिता में कुछ नहीं कर सकता, साड़ी में हाथ डाला गया। उस वक्त रूह की पुकार कही, हे प्रभु महाराज कृष्ण मेरी लाज रखो। महाराज कृष्ण बोले रुक्मणी को, अब भी फकत मेरे को याद करती है, इस वास्ते जाना पड़ेगा। मगर वो प्रार्थना द्रौपदी की प्रार्थना नहीं थी, ये रूह की आवाज थी, और वो रूह की आवाज एक दर्दमंद दुखी अबला नारी की आवाज संतों महात्माओं को हिला देती है। तो ये प्रार्थना है जिसको कहते हैं मिस्टिकल, एक गैबी प्रार्थना। बाकी एक प्रार्थना है, वो ये है कि चुपचाप शांति में हमेशा मांगते रहना, दाता ये मेरा आखिरी जन्म है, ये मेरा आखिरी जन्म है, दूसरा जन्म नहीं लेऊंगा, मुझे और कोई ख्वाहिश नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहता हूं, आपको चाहता हूं, जब चाहे तब ले जाना, मगर मैं तैयार हूं। यानी चालू है इसकी प्रार्थना। प्रार्थना ऐसा नहीं है कि हम एक रूम में कमरे में जाके प्रार्थना करें, चलते चलते हमारे मन में जो चीज है वो हमारी प्रार्थना है। अगर ये कहता है प्रभु दूसरा जन्म मुझे लेना नहीं है, ये मेरा जन्म है, दुख सुख जो देना है दे दो, ख्वाहिशें वाहिशें मुझे मेरे पास कुछ नहीं है, जब चाहिए ले जाना, मेरा बिस्तरा गोल है, ये प्रार्थना है। खामोश में हमेशा कोई सिख कुछ मांगता है, कोई सिख कुछ मांगता है, कोई सिख कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है। अगर प्रभु मिलन की बात है, हरि मिलन की बात है, वागुरु मिलने की बात है तो वो सुनते हैं, क्योंकि असल प्रार्थना है। मौजूद है महाराज जी कहते हैं यूअर मेडिटेशन इज यूअर प्रेयर, ये आला से आला प्रार्थना है जब हम भजन में बैठते हैं, आंखें बंद दुनिया से निकल गए, जब आंखें बंद हो गई हम दुनिया से निकल गए, हम अंदर है, हमारा हेडक्वार्टर भी बदल गया, हमारा हेडक्वार्टर नहीं तो ये दुनिया है। आंखें जब बंद हुई, ख्याल जब सिमटा हो गया, हेडक्वार्टर बंद, बाहर वाला हेडक्वार्टर खत्म है, अभी इनर हेडक्वार्टर है, अंदर का हेडक्वार्टर है, अंतरी हेडक्वार्टर है। आंखें बंद करके ये आगे चले, आगे चले, आगे चले, आगे चले, आगे चले, आगे चले, जब तक जिंदा मर जावे और वापस आ सके। तो मेडिटेशन प्रेयर है, जब आदमी पूरे सतगुरु का चिताया हुआ जब भजन में बैठता है। सरदार बहादुर जी महाराज कहते हैं एक सेकंड भी अगर वो शब्द को सुने, एक सेकंड के लिए परमात्मा की दरबार में उसके हाजिरी लग जाती है, आप रूहानी दाढ़ी देख के पढ़ सकते हैं
एक मिनट के लिए भी अगर पूरे सतगुरु का चिताया हुआ जीव शब्द सुनता है, क्योंकि शब्द वाहगुरु है, शब्द मालिक है, दैट वाइब्रेंट रिवरबरेटिंग कॉस्मिक पावर, वो हरि है, वो गोविंद है, वो प्यारा है, वो मधुर है, वो प्रकाश है, वो बख्शने वाला है, वो हमको प्रेम करता है, वो हमको प्यार करता है, वो कहता है ये मेरे बच्चे जरा मेरे तरफ तो देखो। वो ही संतों का रूप धारण करके आता है, अपने टाइम में कबीर साहब बन के आए, अपने टाइम में गुरु नानक साहब बन के आए, अपने टाइम में गुरु अंगद साहब बन के आए, अपने टाइम में गुरु अमरदास साहब बन के आए, ऐसे पाशाइयां आई। इस वास्ते कहते हैं ऐ दुनिया वालों थोड़ा हमारे तरफ भी देखो, क्यों विष्टा के अंदर लगे हुए हो, विष्टा में आए, विष्टा में रहे, विष्टा में मर जाओगे, जरा हमारे तरफ भी देखो, हमारा संदेश भी सुनो। इतना बड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, एक एक कड़ी आप पढ़ो, सेवक को जगाने के लिए है। एको सत नाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैंभव गुर प्रसाद जप। जपो 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 जपो, संतों का ये कहना है, हम सुनते नहीं। तो अब क्या कहते हैं, सतगुरु नाम दान, अब सतगुरु दी जय, प्रभु कुछ नहीं मांगता हूं, ये नाम हमारा खोल दे, मेरे अवगुण ना देखो, जैसा हूं ऐसा ही हूं, प्रभु मैं कुछ क्लेम नहीं करता हूं कि मैं नेक बंदा हूं, मैं भला हूं, मैं सिमरन करने वाला हूं, मैं भजन करने वाला हूं, कुछ नहीं, तेरी बख्शिश तेरी रहमत का भिखारी हूं, तेरी दया मेर का भिखारी हूं, कुछ नहीं मेरे से होता। आगे देखिए क्या फरमाता है वो सिख, क्या कहता है, कैसी प्रार्थना करता है। हाँ जी, नाम दान अब सतगुरु दीजे, काल सतावे चीजे। कहते हैं प्रभु काल ने मुझे बहुत सताया है, बहुत दुखी किया है, कई किस्म से हमारे को ये काल तकलीफ देता रहता है। एक साधु था, दिन का टाइम था, एक लैंटर्न होता है ना बत्ती, लैंटर्न एक गांव में, इधर तो बिजलियां चलती है, लैंटर्न लेके एक शहर में आ गया, दिन के टाइम में बत्ती लेके आ गया और एक एक को देखने लगा, लोगों को देखने लगा। एक बंदा आया उसके सामने, उसको कहता है साधु महाराज ये क्या अजीब चीज है, दिन का वक्त है, आप किसको ढूंढ रहे हैं? कहता है कि इंसान को ढूंढ रहा हूं। लोग हंसने लगे, कहते ये सब हम इंसान नहीं है? कहता है नहीं तुम इंसान नहीं है। बोले फिर हम कौन है? कहता है तू आदमी है। बोलता है आदमी इंसान में फर्क है? कहता है हाँ, तू है आदमी, तुम्हारा सांस आया तो वाह, ना आया तो खत्म, ये है आदमी, यानी दम आया तो ठीक है, ना आया तो खत्म। कहता है फिर इंसान क्या है? कहता है इंसान वो है कि जब उसके ऊपर काम का जोर हो जावे तो भी इंसान रहे, जब क्रोध का जोर आ जावे तो भी इंसान रहे, जब लोभ का जोर आ जावे तो भी इंसान रहे, मोह का जोर आ जावे तभी भी इंसान रहे, अहंकार का जब जोर आ जावे तभी भी वो इंसान रहे। माना काम के वक्त उसमें शील आवे, क्रोध के वक्त उसको खिमिया आवे, लोभ के वक्त उसको संतोष आवे, मोह के वक्त उसको धीरज आवे, अहंकार के वक्त उसको निम्रता आवे, ये तो संत करते हैं। महाराज गुरु नानक साहब जी कहते हैं मुल खरीदी लाला खोला मेरा नाम सुभागा। कहते हैं प्रभु आपने मुल खरीदूं, तुम्हारा गुलाम बिक्री किया हुआ, मुल खरीदी गरीदी लाला गोला मेरा नाम सुभागा। संतों की नम्रता है, इंसान में थोड़ी नम्रता, आदमी में नम्रता नहीं है, इंसान भी वो, हरि भी वो, रब भी वो, संत भी वो,
दरवेश भी वो, प्रभु के प्यारे भी वो, सब कुछ वो। हम मलीन, नीच, दुष्ट, पतत, गुनाहों के बगैर, और हमारे चौपड़ी में कुछ लिखा हुआ नहीं है। बैलेंस शीट में पापी पाप है, कोई भला काम नहीं, नेक काम नहीं है। इस वास्ते कहते हैं काल सतावे स्वासा चीज है। प्रभु काल ने बहुत दुखी किया। पांचवी पाशाही कहते हैं पांच बिखा दी एक गरीबा राखो राखन हारे। कहते हैं प्रभु पांच आपने हमारे को दुश्मन दिए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ग्रंथ साहब की बाणी है पांच बिखा दी एक गरीबा राखो राखन हारे। कहते हैं मैं एक ही हूं गरीब, पांच ये आपने हमारे साथ दुश्मन रखे हुए हैं, अभी राखो इनसे मुझे बचाओ। तो यही यहाँ सिख कहता है काल सतावे स्वासा छीजे, बहुत दुखी करता है प्रभु। हम सबको मालूम है कि लोभ हमारे से क्या करवाता है, काम हमारे से क्या करवाता है, अहंकार क्या करवाता है, कितना निंदा गिल्ला ईर्ष्या ये सब चीजें हमको कितनी तकलीफ देते हैं, आग से ज्यादा जलाती है। इस वास्ते कहता है नाम प्रकट करो शांति आ जाए। आगे दुख पावत मैं निस दिन भारी गहिया अब ओट तुम्हारी अगे तुम समान कोई और न दाता मैं बालक तुम पीते और माता मोको दुखी आप कस देखो यह अचरज मुहि होत परे खो। कहते मैंने आपकी शरण ली है प्रभु, आप दाता हैं, मैं और किसी दूसरे को जानता नहीं हूँ, मैं बालक हूँ, आप हमारे पिता और माता हैं, आप मेरे को भला दुखी कैसे देख सकते हैं। कहते हैं मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है, आश्चर्य है कि मैं दुख में हूँ, मोह को दुखी आप कैसे देखो, यह अचरज मोए हो तब पड़े। कहते हैं आप कैसे खामोश रह सकते हैं जब मैं इतना दुखी हूँ, इतने कष्ट में हूँ, इतनी मुसीबत में हूँ। आगे मैं हूँ पापी अधम विकारी भूला चूका छिन छिन भारी अवगुण अपने कहाँ लग बरनू मेरी बुद्धि समझे नहीं मरमू। अब कहते हैं प्रभु मेरे समझ में नहीं आता है, मेरे को इतनी बुद्धि नहीं है, भूल भी है मेरी, चूक भी मैं करता हूँ, अवगुणों से भी मैं बड़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरी बुद्धि ये नहीं समझती है कि आप खामोश क्यों हैं जब मैं इतने दुख भोग रहा हूँ। अब बात ऐसी है जब भी हमको कोई कष्ट है, तकलीफ है, दुख है, मुसीबत है, आपदाएं हैं, कोई दुख का समय गुजर रहा है और कुछ नहीं होता, तो ये समझना चाहिए कि हमको संत सतगुरु एक ऐसे वक्त से गुजर हम रहे हैं ताकि हम इसको उसका भाना समझें। भाने का मतलब क्या है कि वो हमको पकाना चाहता है। अगर सोने के अंदर थोड़ा तांबा मिला हुआ है, थोड़ी चांदी मिली हुई है, थोड़ा कुछ मिला हुआ है, तो परमात्मा अपने पास प्योर 24 कैरेट का सिक्का रखता है, यानी उनको मंजूर करता है, उस रूह को, उस आत्मा को जो कि प्योर है। अभी ये सफाई कहां से आती है,
जब हम दुखों से गुजरते हैं, जब हम कष्टों से गुजरते हैं, और संत कहते हैं कि ये पक जावे, ये साफ हो जावे, ये पक जावे, लेकिन उसको टूटने नहीं देते। विचार में रखने की बात है कि वो टूटने नहीं देते हैं, मोड़ते हैं, बेंड करते हैं, लेकिन तोड़ते नहीं हैं। जब देखता है कि नहीं सह सकता है, हाजिर हो जाते हैं, ठंडक आ जाती है, रहमत आ जाती है, लेकिन कहता है कि ये सह सकता है, देव इसको साफ करो, इसके गुनाह साफ करो, निर्मल करो, इसको सोना बना के अपने खजाने में डालूंगा, अपनी मिंट में डालूंगा। उस समय अपने को समझना चाहिए कि ये इनका भाणा है, ये चाहते हैं, मैं कौन हूं जो नहीं चाहूं। बीबी राबा बसरी बड़ी गरीब थी, उसके पास तकिया नहीं था, माना सराना नहीं था, ईंट थी रखने के लिए, ईंट थी, चटाई थी फटी हुई, सोती थी, मटला भी टूटा हुआ था जिसमें पानी पड़ा था। तो एक दूसरा फकीर आया, वो उसको कहता है, बीबी मेरा एक शाहूकार आदमी दोस्त है, वो तुम्हारे को कुछ दरहम देगा, माना पैसा देगा, तू जरा सुख की जीवन तो ले लो। तो बीबी उसको कहती है, फकीर तू क्या कह रहा है, जिस परमात्मा ने, जिस रब ने इसको पैसा दिया है, शाहूकार किया है, उसी रब ने मुझे गरीब किया है। देखिए विचार कैसा है, हम तो शिकायत करते हैं ना, प्रभु के प्यारे शिकायत नहीं करते हैं। जिस परमात्मा ने इसको पैसा दिया है, उस परमात्मा ने मुझे गरीब किया है, उसको पैसा देने में उसका कोई मतलब होगा, वो जाने, मेरे को उन्होंने गरीब दिया है, उसमें भी उसका कोई मतलब होगा। वो परमात्मा मिस्टेक नहीं करता, वो परमात्मा गलती नहीं करता, और हम कौन हैं अपने परवरदगार को कहने वाले के अरे भाई मिस्टेक कर दिया है तुमने, इसको कंगाल क्यों किया, इसको अमीर क्यों किया। कहता है वो मिस्टेक नहीं करता, द लॉर्ड इज इनफेलियबल, ही इज परफेक्ट। अगर किसी को दुख देता है तो उसको पकाने के लिए देता है कि ये इस गर्मी से निकल जावे, सहने की ताकत आ जावे। और ये जितने भी संत जन हैं, गुरु अर्जन साहब जी महाराज को जब तत्ते तवे पे रखा गया था, क्या बात थी, सब कुछ कर सकते थे, तत्ता तवा है, ऊपर में गरम गरम रेत डाली जा रही है। कहता है तेरा भाना मीठा लागे, कहता है देखिए वचन कैसे हैं, महासुंदर, तेरा भाना मीठा लागे। कहते हैं प्रभु जो आप कर रहे हैं मुझे मीठा लगता है, क्यों, प्रीतम से कोई चीज कड़वी नहीं आती है, क्योंकि हमको वो प्यार करता है। अगर मां अपने बच्चे को जबरदस्ती मुंह में कड़वी दवाई डालती है, अगर बच्चा सोचे कि ये बड़ी रहम दिल नहीं है, बेरहम है, गलत है, मां बहुत रहीम होती है, बच्चे के फायदे के लिए उसको थोड़ी तकलीफ देती है कि दवाई पिएगा तंदुरुस्त हो जाएगा। अगर हमारा गलीचा, घर में गलीचा रखते हैं ना, गलीचा मैला हो जावे, हम उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल के धूप में और एक सोटी लेके और उसको पीटते हैं तो इसकी मट्टी निकल जावे। जितना ज्यादा पीटेंगे इतना ज्यादा मट्टी निकलेगी, गलीचा साफ होगा। ऐसे वो प्रभु हमारे को कभी 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 तकलीफ देते हैं कि इसको पार कर दें, इसकी सफाई कर दें। और हमको भी समझना चाहिए कि जो करने वाला है वो ही करता है, इसमें भी उसने कोई भला सोचा होगा। तो इस वास्ते कहते हैं मेरी बुद्ध समझे नहीं मरमू। कहता है प्रभु मेरे दिमाग से ये बात दूर है कि मैं दुखी और आप खामोश, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं ताकि हम साफ हो जावे, पक जावे। आगे अवगुण अपने कहां लगे बरनू, मेरी बुद्धि समझे
सतीमती ने कन जानू अपनी मती अनुसार बखानू तुम समर्थ और अंतर जामी क्या क्या कहूँ मैं सतगुरु स्वामी मौज करो दुख अंतर हरो दया दृष्टि अब मो पे धरो मागू नाम न मागू मान जस जानो तस देओ मोहि दान मैं अति दीन भिखारी भूखा प्रेम भाव नहीं सब विधि रूखा कैसे दोगे नाम अमोला मैं अपने को बहुविधि तोला हो या निराश सबर कर बैठा पर मन धीरज धरे ने का शायद कभी मैं हरे हो जावे तो कहूँ ना मनेक मिल जावे बिना में हर कोई जतन न सूझे बख्शिश होय तभी कुछ बूझे किनका नाम करे मेरा काज हे सतगुरु मेरी तुमको लाज अब तो मन कर चुका पुकार राधा स्वामी करो उधार अब तो मन कर चुका पुकार राधा स्वामी करो